क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, लिखा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर सेट ग्रास फील्ड टू साइड 15 मीटर बाय मेजर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. सी द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस. तो एक फील्ड है और इस फील्ड पर इस फील्ड में कॉर्नर पर एक जो है घोड़ा बंधा हुआ है और इस पर एक रस्सी से वो जो है ये एक कोने से वो जो है घास इसमें से ग्रेज करना चाहता है और रोप की लंबाई जो है आपकी दी गई है 5 मीटर. दिस इज द 5 मीटर. और इसमें साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो हम यहां पर देख सकते हैं रेडियस R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू, क्योंकि यह जो है 90 डिग्री, तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अब ये जो है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इंटू 90/360. अब हम इसमें 90 से इसको हम कटेंगे, ये 4 हो गया, ये हो गया 22/25/28. अब जब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, यहां पर हम जब इसमें सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 25 2 50 और इज द 5550/28 दैट इज इक्वल टू. और अब जो है 550 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हियर इज 550 डिवाइडेड बाय में 19.64 दैट इज इक्वल टू 19.64 यहां पर मीटर स्क्वायर की एरिया जो है ये आपका ग्रेस करेगा. अब इसके बाद इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लिखने को कहा गया है, 22/7 लिखा गया है, तो डेसिमल कुछ मिस्टेक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेसिंग एरिया द रोप वेयर द 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. तो ये कहा जा रहा है कि 5 मीटर की जगह पे तो हमारे पास जो है इस एरिया में से और एक यहां पर जो है 10 मीटर हो तो ये जो है हमारे पास नाउ इफ आर इक्वल टू 10 मीटर तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 90/360. आप इसे भी काट सकते हैं 4 तो दैट इज इक्वल टू 2200/28 दैट इज इक्वल टू. तो हम जो है इसमें यही काम जो है लिखेंगे 2200 डिवाइडेड 28 ये 78.57 मीटर स्क्वायर. अब उसके बाद पूछा गया है कि इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, तो यहां हम लिखेंगे द यहां लिखा है इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.57 में से 19.64 को माइनस कर दो 4, 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 17 में से 8 और यहाँ पे 5 58.93. तो दिस इज द आंसर. अब इसमें एक बार फिर से ध्यान दें कि हम यहाँ पर ये जो हमारा है मीटर स्क्वायर एरिया उसकी बढ़ जाएगी 3 हो गया और यहाँ पर 15 में से 6 गया 9 आया, यहाँ 17 में से 9 गया यहाँ 8 और देयर इज 58.9 मीटर स्क्वायर. अच्छा जो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है वो वैल्यू जो है इफ पाई इज इक्वल टू 22/7
अगर पाई की वैल्यू 3.1 छोड़ लेते हैं तो वैल्यू में थोड़ा डेसिमल का कुछ अंतर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, तो बात हो रही है 9 क्वेश्चन की। क्वेश्चन 9 क्या कहता है उसको समझे। अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो इसमें कहा गया है कि डायमीटर दिया गया है d इज इक्वल टू 35 mm, तो रेडियस इक्वल टू 35 बाई मी 2, दैट इज ये हमारे पास मीटर है रेडियस। अब इसके बाद कहा गया है इसमें कि द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल्स इनटू द 10 इक्वल सेक्टर एज शो इन द फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो हमें सिल्वर वायर को बनाने में कितना जो है हमें वायर की आवश्यकता होगी। एंड एरिया ऑफ द ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो हमें हर सेक्टर का ब्रूच का एरिया निकालना है। तो पहला काम होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, तो यहां पर हम क्या करेंगे C इक्वल टू 2πr। इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है, तो ये सर्कल भी जो है सिल्वर वायर का है, तो सर्कमफ्रेंस से निकल जाएगा। और साथ में इसमें जो है हमारे जो दिए गए हैं कि देयर इज द सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स दिया गया है, 5 डायमीटर है इसमें। तो यह दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ एंड ये है 5, ऐसे 5 डायमीटर है। और इस ब्रूच को बनाने में तो हमें वायर चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 5 इंटू डी, तो हमें वो बाद में वो काम करेंगे 5 इंटू डी। और इसके बाद इस क्वेश्चन में पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करना, तो यहां पर लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सी प्लस 5 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 2πr प्लस 5 इंटू 35 2 इंटू। अब इसमें जो है पाई की वैल्यू बोला गया है 22/7, r की वैल्यू है 35/2 प्लस 5 5 5 25 2 5 3 15 16 71 75 2 को काट दिया 7 से 5 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
है टोटल जो वायर की लेंथ है वो हमारी मीटर लेंथ। अब इसके बाद बात हो रही है कि ये फर्स्ट पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन है कि यहां पर हमारे पास R इक्वल टू 35 बाई मी 2 mm और साथ में थीटा दिया गया। मान लीजिए सभी को अगर एक को वैल्यू देखा जाए दिस इज अ थीटा, तो यहां पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 360 अपॉन यहां पर 5 से हम डिवाइड कर दें तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 57 जा 35, 52 जा 10, 72 डिग्री। तो जो एंगल आपके पास जो है यहाँ पर दिया गया है तो लेकिन एक चीज आप ध्यान में, कितने सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर है, तो डिवाइडेड बाई हम जो है इसमें 5 से नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई हम 10 से करेंगे, डायमीटर की संख्या 5 है तो ये हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 22 बाई में 7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास हमें मिल जाती है 35 बाई टू इंटू थीटा हमारे पास 36 अपॉन 360 और यहां पर हमारे पास ये है 11, 7 से कट गया 5 और ये हमारे पास जो है 36 से ये कट गया हमारा 10 और ये हमारे पास ये वैल्यू हमारी हो गई 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन दैट इज इक्वल टू यहां 10 है 20। तो अब 5 से और ये हमारे पास जो है
5 से ये कटेगा, तो हमारे पास हो गया 5 4 जा 24, दैट इज इक्वल टू 11 इनटू 35 अपॉन 4। तो अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये जो है हमारे पास टोटल जो लेंथ की बात तो हो गई, अब हम इसमें एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है, तो देयर इज द 385, तो 11 5 जा 55, कैरी 5 इज 33 और 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ब्रूच की जो एरिया हो जाएगी वो एरिया हमारी इतनी जो है फाइंड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है,